नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे एसी ड्राइव कैसे काम करता है। यह हमारा एबीबी कंपनी का एसी ड्राइव है और इसकी यह अपना 1.1 किलोवाट का ड्राइव है और थ्री फेज इनपुट है और इसमें कम से कम वोल्टेज अपनी 380 से और 460 वोल्ट तक इनपुट है। ठीक है जी। और ये अपने इधर टर्मिनल है इसके, ये इधर अपने जो टर्मिनल है ये कंट्रोल के लिए और ये पावर के लिए। हमने जो ये जो टर्मिनल है इधर हमारी इनपुट पावर यानी कि थ्री फेज इनपुट कनेक्ट हो जाएगी, जो पावर हम इसमें देंगे वो इधर इनपुट पावर कनेक्ट कर देंगे तीनों फेज। और ये जो टर्मिनल है तीन U2 V2 W2 इधर से हमारी मोटर के लिए आउटपुट निकल जाएगी और U1 V1 W1 ये अपना इनपुट है। और अगर बाई चांस हम गलती से अपना अगर इधर हम इनपुट कनेक्ट कर देते हैं और इधर से हमारी आउटपुट निकाल देते हैं तो इधर अगर हम इनपुट इधर पावर कनेक्ट करेंगे और पावर ऑन कर देते हो अपना ड्राइव ख़राब हो जाएगा। ओके दोस्तों, और ये जो अपना ये जो टर्मिनल है ये अपने ये अपने कंट्रोल के लिए है, यानी कि कोई भी हमने अगर इसको पीएलसी किससे कनेक्ट करनी है तो इधर हमारी वायर कनेक्ट हो जाएगी और पुश बटनों की जगह भी हम इसको यूज पुश बटन भी कनेक्ट कर सकते हैं। ये अपना कंट्रोल के लिए है और फीडबैक के लिए, जैसे हमारा ऑन ऑफ का हमको इंडिकेटर लगाना है, कोई बार में इंडिकेशन देना है कि हमको दिखे कि अपना ड्राइव ऑन है ऑफ है या ट्रिप है, उसका इंडिकेशन के लिए भी इसमें कंट्रोल इसी में ये अपने टर्मिनल लाइन में कनेक्ट होते हैं हो जाएगा। और ये अपनी डिस्प्ले है, इस डिस्प्ले में अपना जो आरपीएम है कितना आरपीएम है, कितना एम्पियर करंट ले रहा है और कितनी फ्रिक्वेंसी है वो सब इसमें शो करता है। और रिमोट में चल रहा है या लोकल में चल रहा है ड्राइव इसमें दिखाते रहता है और इसके थ्रू अपना इसमें अपना दिखाते रहता है। और ये जो स्विच है अपना ये मेनू स्विच और इंटर स्विच दोनों एक ही है। और ये अपना रीसेट और एग्जिट यानी कि हमारा जब हम इसको पुश करते हैं तो ये अपना इसमें पैरामीटर आ जाएगा, उसको सेट करते हैं तो इंटर भी इसी से होगा और इससे अपना ऊपर नीचे जो अपने सेलेक्ट करना है वो और इंटर ये वो स्विच है और फिर इसी से इंटर होगा। और जब हमको प्रोग्राम से बाहर आना है तो इसको एग्जिट करना है यानी कि इसको पुश कर देंगे तो प्रोग्राम से बाहर आ जाएंगे। और बाई चांस अपना जो ड्राइव ट्रिप हो जाता है तो इसी से अपना इसको प्रेस करेंगे तो अपना ड्राइव रीसेट हो जाएगा। और जब हमारा ड्राइव चल रहा है उसका आरपीएम बढ़ाना मैनुअली तो इससे अपना आरपीएम इसको पुश करेंगे तो बढ़ता जाएगा, इसको अगर पुश करते हैं तो कम होता जाएगा। और ये जो स्विच है ये लोकल और रिमोट के लिए है, यानी कि लोकल में अपने को ड्राइव ऑपरेट करना या रिमोट में। और ये जो स्विच है ये अगर अपना ड्राइव मान लीजिए मोटर आगे रिवर्स में घूम रही है तो इसको अगर हम पुश करेंगे तो अपनी मोटर फॉरवर्ड में हो जाएगी और इधर से अपनी जो इनपुट पावर सप्लाई है उसमें से या आउटपुट में से केबल चेंज करने की जरूरत नहीं है, इसको पुश करो और अपनी डायरेक्शन यहीं से चेंज कर सकते हैं। और जो ये दो स्विच है, ग्रीन कलर का स्टार्ट स्विच है और रेड कलर का स्टॉप है, अगर हम उसको मैन्युअली अगर ऑपरेट करते हैं इसके पास खड़े होकर तो इसको प्रेस करेंगे तो ऑन हो जाएगा और फिर इसको अगर ऑन हो गया फिर हम बंद करना है तो इसको ऑफ करना है, स्टॉप करना है तो ये अपना इसको पुश कर देंगे ऑफ हो जाएगा। स्टार्ट करके अपना जो ये स्टार्ट होने के बाद ड्राइव इसको अगर पुश करते हैं ये तो इससे अपना आरपीएम बढ़ेगा और इससे कम होगा। ठीक है दोस्तों। ओके दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए, सीखते रहिए हमारा चैनल इलेक्ट्रिक गुरु। जय हिंद।